जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो तैयार हो जाए एक और ऑफलाइन वैकेंसी की। जी हाँ दोस्तों, वो निकली है इसी चीज़ है रुद्रपुर हल्द्वानी के लिए। जी हाँ दोस्तों, तैयार हो आप तो कमेंट बॉक्स में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपके अनुसार मैं आपको जॉब सजेस्ट कर सकूँ। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी उसके अनुसार मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों कि दोस्तों, जो ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब रहती है उनमें कंपटीशन लेवल बिल्कुल भी कम रहता है, इसलिए आप हर गवर्नमेंट जॉब को दोस्तों जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी ऑफलाइन वैकेंसी। तो दोस्तों, ये एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत भर्ती हो रही है। लास्ट डेट की बात करें तो 6 फरवरी 2024 इसके अंतर्गत लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। इसके अलावा इसी चीज रुद्रपुर हल्द्वानी की वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत क्लर्क, चपरासी, चौकीदार, ड्राइवर, महिला अटेंडेंट, सफाई वाला, नर्सिंग असिस्टेंट, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन की आदि की भर्तियां आई है। इस वैकेंसी की डिटेल्स में जानकारी लेंगे। उससे पहले आप सभी साहिबानों को मैं एक और जानकारी देना चाहता हूं कि इसी चीज अखनूर के लिए भी दोस्तों मेरी बहुत सारी वैकेंसीज आई है। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उसके उन सभी कैंडिडेट को मैंने फॉर्म अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका बताया है। इनके अंतर्गत भी दोस्तों क्लर्क, चपरासी, ड्राइवर और सफाई वाले की वैकेंसियां आई है। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो जाके इस वैकेंसी को देख सकते हैं। इसके अलावा इस वैकेंसी को भी मैं दोस्तों आराम से आपका लिफाफा भी भर के बताने वाला हूं। तो आप आराम से पूरा वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपसे कोई गलती होने की गुंजाइश ना रहे। अपने फॉर्म के ऊपर चलते हैं दोस्तों कि कौन कौन से पद इसमें रहने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सफाई वाला की पोस्ट है, उसमें पढ़ना लिखना कैंडिडेट जानता हो। नेक्स्ट है दोस्तों महिला अटेंडेंट, इसमें भी सेम है कि पढ़ना लिखना कैंडिडेट जानता हो। चपरासी के लिए आरटी पास आपका होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों बात करें ड्राइवर की पोस्ट के लिए, तो इसका आपको वेतन 19,700 दिया जाएगा और आपके पास आरटी पास और ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों क्लर्क के लिए, तो क्लर्क के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए किसका, क्लर्की का, और आपको स्नातक पास होना जरूरी है। इसके अंतर्गत आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों चौकीदार की। चौकीदार के लिए आपको आरटी पास होना जरूरी है। जो कैंडिडेट आरटी पास है उनको 16,800 रुपये मासिक दिया जाने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों फिजियोथेरेपिस्ट की। फिजियोथेरेपिस्ट में डिप्लोमा मांगा गया है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपके पास 12वीं पास होना चाहिए और GNM का डिप्लोमा मांगा गया है। तो नेक्स्ट है फार्मासिस्ट के लिए बी फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन के 12वीं पास और लैब टेक्नीशियन का ज्ञान, रेडियोग्राफर और लैब सहायक के लिए भी दोस्तों संबंधित ट्रेड में अनुभव मांगा गया है। तो जो भी कैंडिडेट इन सभी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो 6 फरवरी 2024 के अनुसार आपको छूट दी जाएगी। आपका जो एड्रेस रहेगा भेजने वाला, वो मैं आपको लिफाफे में भर के बता दूंगा। उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से कलेक्ट करने रहते हैं, वो कौन की फोटोकॉपी भेजनी होगी वो देख लीजिएगा दोस्तों। जो भी आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट हैं वो आपको भेजने हैं, साथ ही आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी आपको भेजने है। 8वीं की जो भी आपके पास मार्कशीट है पोस्ट के आधार पर, आप उसको आराम से भेजने हैं। 2 पासपोर्ट साइज की नवीनतम फोटो होनी चाहिए। इसके अलावा सिविलियन आवेदकों को आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो भेज सकते हैं। इसके अलावा आपका दोस्तों डायरेक्ट जो भी इंटरव्यू रहने वाला है वो इसके डीटी भी आपको दे दिया गया, यानी 14 फरवरी को आपको डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा। इसके अलावा चौकीदार, महिला अटेंडेंट, क्लर्क, चपरासी और सफाई वाले के लिए दोस्तों 15 फरवरी का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, साक्षात्कार लिया जाएगा, यानी इंटरव्यू के बेस पर ये आपकी जॉब लेने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपका दोस्तों इंटरव्यू कहाँ होगा, तो हल्द्वानी स्टेशन मुख्यालय हल्द्वानी में आपका इंटरव्यू रहने वाला है। हल्द्वानी कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये उत्तराखंड के अंतर्गत हल्द्वानी पड़ता है। अभी आपको मैं लिफाफा भर के बताता हूँ कि आपको लिफाफा कैसे भरना है, उसके बाद में हम फॉर्म भरने के चलेंगे कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। तो लिफाफे के लिए आपको दोस्तों 2 लिफाफे तैयार करने होते हैं। फर्स्ट लिफाफे में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चपरासी, ड्राइवर, कुक, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका यहाँ पे आपको नाम लिखना है और कैटेगरी लगा के आपकी कैटेगरी लिख देनी है, ओबीसी, जनरल, जो भी कैटेगरी आपकी आती है। उसके अलावा आपको जो मैंने एड्रेस लिखा है सेम आप लिख सकते हैं, ओआईसी स्टेशन HQ यानी हेडक्वार्टर, इस चीज़ सेल हल्द्वानी नैनीताल, पिन है दोस्तों 26 11 39, उत्तराखंड के एड्रेस पते पर आपको भेजना होगा। नीचे फॉर्म में आपका खुद का एड्रेस लिखना होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों राइट साइड के अंदर एक छोटा लिफाफा आपको दिखाई दे रहा होगा, इस लिफाफे पे भी आपका खुद का एड्रेस लिखना होगा, 2 लगा के, जिससे इन कैंडिडेट का नाम मोहित सैनी सना, जिसका पिताजी का नाम लिखे, पूरा एड्रेस आपको इस पर लिखना होता है। उसके अलावा दोस्तों 25 रुपये का डाक टिकट भी इसके ऊपर आपको लगाना होता है।
जो भी डाक टिकट आपको लगाना है। उसके अलावा आपको बड़े वाले की ऊपर डाक टिकट दोस्तों 25 रुपए या 10 रुपए का लगा सकते हो, जो भी आपका इसका वेट रहने वाला होगा उसी के अनुसार लगने वाला है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको PDF के रूप में इसके अंतर्गत डालने हैं, जो भी दोस्तों एक लिस्ट के अनुसार इसके अंतर्गत डालना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं, आपको उसका भी नॉलेज दे दिया जाएगा। फॉर्म आपको इसी प्रकार से मिलने वाला है दोस्तों, आपको राइट साइड के अंतर्गत आपके दोस्तों खुद की फोटो पेस्ट करना है, उसके बाद में नेम ऑफ कैंडिडेट में आपका नाम लिखना होता है, इसके अलावा फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज आपकी कितनी है, मेल हो या फीमेल हो वो आपको भरना होता है दोस्तों। इसके अलावा नेशनलिटी में आपको इंडिया कर देना है, परमानेंट एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस रहेगा दोस्तों वो आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट में दोस्तों आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आपको लिखना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, यानी आप कौन सी पास को, तो अगर आपने आठवीं पास पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आठवीं पास लिख देना है, अगर आप टेंथ पास के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे टेंथ लिख देना है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो सबसे बढ़िया ग्रेजुएशन भी यहाँ लिख सकते हो, जो भी एजुकेशन कर रखी है उसका यहाँ पे डिटेल से विवरण आपको देना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया था, कितने परसेंटेज आपके मार्क्स बने थे वो सब यहाँ पे लिखना होता है। उसके अलावा दोस्तों आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में अगर आपके पास कोई है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नहीं है तो नो कर देना है। कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर में आपके मोबाइल नंबर मेंशन करने होते हैं, इसके अलावा आपकी ईमेल आईडी में खुद की ईमेल आईडी आपको डालना है दोस्तों। ये सारी जानकारी कलेक्ट करने के बाद में आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म को अच्छे से पढ़ के उसके ऊपर आपको साइन करना है। उसके अलावा लेफ्ट साइड में दोस्तों नीचे आपको डेट लगाना है, और डेट लगा के प्लेस जिस प्लेस में आप पोस्ट करना चाहते हो उसको लिखना होता है। उसके बाद में दोस्तों राइट साइड के अंतर्गत आपके सिग्नेचर कैंडिडेट के करना होता है, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये सारी जानकारी जो भी है वो मैं दोस्तों आपको कोई किसी को ठेस पहुँचाने या नुकसान देने के लिए नहीं है, सिर्फ एजुकेशन या किसी को जानकारी देने के योग्य है, यानी नाम और जो फोटो है उससे कोई मतलब नहीं रखा गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, पूरा फॉर्म बता दिया आपको, लिफाफा भी मैंने बता दिया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों फॉर्म के अंतर्गत और लिफाफे में कहीं भी व्हाइटनर का इस्तेमाल ना करें, ताकि आपको कोई फॉर्म में प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत ना रहे। तो इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो आप हमें पूछ सकते